क्या दोस्तों के साथ नाते हुआ हर बात मिलना जुलना
सूरह फतह में 26वें पारे में आखिरी आयत है, अल्लाह ने जन्नतियों की निशानी बताई, सीमा फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, इनके चेहरों को देखो सजदों के निशानियों से पता लगेगा ये मुसलमान है। अल्लाह को मानने वाले हैं, नबी को मानने वाले हैं, ये मुसलमानों की और अहले ईमान की निशानी है। और कलाम पाक के 29वें पारे में सूरह ज़हर में पहले रुकू में अल्लाह ने जहन्नमियों का चेहरा बताया, अबूसन हम तरीका, कपड़े को काटन के धुलने के बाद सूखने जब डालते हैं निचोड़ कर, जैसे चुड़ियां पड़ी हुई रहती है धुलियां, ऐसे जहन्नमी के मुंह पर धुलियां और चुड़ियां पड़ी हुई रहती है। ये जो निशानी जहन्नमी चेहरे की बताई गई अबूसन हम तरीका, सारे लोगों का यही गाना है, यही जीवा है, मैं क्या आप क्या मेरे घर वाले क्या आपके कोई इससे अलग नहीं है, जहन्नमियों का मुंह यही बन गया है हमारा। खबर में जाने के बाद क्या पिटाई होगी, मेहर में जाने के बाद क्या डंडे पड़ेंगे, उस सिरात पर क्या कटकर जहन्नम में जाएंगे, और जहन्नम के अंदर परिंदे क्या आवाज देंगे, घोड़े बरसाएंगे, वो तो ना तो मेरी खबर को आप देख सकते हैं ना मैं आपकी खबर को देख सकता हूं। लेकिन मुसाफिर जब सफर करता है तो मंजिल से पहले चेहरे से पता चल जाता है ये किसी मौका की मजलिस में जा रहा है या ये कि अपनी महबूबा से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, ये लैटरी उठाने के लिए जा रहा है या बयान को अपने घर के काम अदा अपनी बीवी का सेवन गिरवी रखने जा रहा है। दोनों के चेहरों में जमीन आसमान का फर्क है, मंजिल को किसी ने नहीं देखा, ना शादी की महफिल में शरीक होकर दीवाने ठोकने वाले ने देखा, ना बयान के अंदर काम अदा जमा करने वाले ने देखा, मंजिल से पहले सवारी और सवार हादसे का शिकार हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन ये चेहरे बता रहे हैं कि इनकी मंजिलें क्या हैं। जिस आदमी को वलीमे का खाना जाने दावत मिली हुई है उसके चेहरे में बशाशत है, जिस आदमी की लाठी उठता है, जो आदमी अपनी महबूबा से मुलाकात के लिए जा रहा है, मुलाकात होते ही बनती उससे उछलता है कूदता है, ट्रेन में हर स्टेशन में झांक झांक कर देखता है मेरी मंजिल तो नहीं आ गई, मेरे महबूब से मुलाकात कब होगी, भाई साहब मेरी घड़ी कहीं पीछे तो नहीं, आपकी घड़ी के अंदर क्या वक्त हुआ है, खाना बेचने वाले ने उतरा हुआ खड़ा हुआ खाना बेचा, महबूब की याद में पता ही नहीं लगा कि अच्छा खाना खाया बुरा खाना खाया, गर्म पानी पिया ठंडा पानी पिया, खारा पानी पिया मीठा पानी पिया, ये उछल ये कूद उससे छेड़छाड़ उससे बदा उससे दिल लगी, इंतजार है उसको अपनी मंजिल का अपनी महबूबा से मुलाकात का, और ये सब डर रहे हैं, इतना लेकिन 11 हो गए 11:15 हो गए, अभी वो जज के पास जाना है, अदालत की नोटिस आ रही है, उसका वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, इसका वक्त गुजर नहीं रहा है। हदीस पाक में आता है मुर्दा मरने के बाद इंसान के मरने के बाद तस्लीम के अंदर तजहीर के अंदर हुजूर देने में और उसको ठिकाने लगाने में देर ना करो, बेटी देखने आ रही है, बहन देखने आ रही है, फुला देखने आ रहे हैं, जल्दी ना दाखिल ना करो, इसलिए कि अगर वो नेक है तो अपनी मंजिल में जल्द पहुंचाएगा, और अगर वो बुरा है तो बुरे को अपने कानों पर रखकर क्यों संभालते हो, इस बोझ को हल्का करो। तो इसीलिए हदीस में आता है कि नेक मुर्दा होता है तो कहता है पत्नी मोनी अरे जल्दी ले जाओ ना भाई, 7 साल तो इस दुनिया
کے جھرنے میں برداشت کرتا رہا, مصیبت پر برداشت کرتا رہا. ابھی بھی رکھو گے اس دنیا میں, نہیں چاہیے یہ کوٹی, نہیں چاہیے یہ بنگلہ, لون میں بنایا ہوا, سود میں بنایا ہوا, یتیموں کا, غریبوں کا, بیواؤں کا, مسکینوں کا حق دبا کر بنایا ہوا. مجھے بھوک رہی ہے اہمیت, لے جاؤ مجھے میرے محبوب سے ملاؤ. میرے آقا کا دیدار میں قبر میں کرنا چاہتا ہوں, میرے اللہ کا دیدار میں جنت میں کرنا چاہتا ہوں. قدیمونی قدیمونی جلدی لے چلو. اور اگر وہ برا ہوتا ہے اور 24 گھنٹے کی تاخیر کے بعد بھی سرد خانے میں مرغے کو ہفتوں رکھنے کے بعد بھی جب اس کو گھر لایا جاتا ہے, رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں اور گرم پانی کیا جاتا ہے مرغے کو نہلانے کے لیے, کہتا ہے کبھی کس کے لیے کر رہے ہم پانی گرم, ابھی تو کچھ لگ رہے مجھے یہاں رہنے دو, میں تمہارے لیے پٹا تھا, مرا تھا, ذلیل ہوا تھا, رسوا ہوا تھا, میں تمہارے لیے سرے بازار مار کھایا تھا, قرضوں کا بوجھ میرے سر پر لدا ہوا تھا. ارے اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو, کس کے لیے پانی گرم کر رہے ہو, یہ تیل کے پتے کیوں ہیں, یہ ریٹے کیوں ہیں, یہ سستا کیوں آیا ہے, یہ پلنگ کیوں آیا ہے. ارے بھائی تم کہاں سفید کپڑا لینے جا رہے ہو, مجھے رہنے دو نا, یہاں کی نیند نیند میں, یہاں کے بارے کے ذرے ذرے میں میری جان اٹکی رہی ہے, اور تمہیں کیا جلدی پڑی ہے نکال بھیجنے کی. ابھی رات ہے, قبرستان میں سناٹا ہوگا, تاریکی ہوگی, اندھیرا ہوگا, قبر کھودنے والا نہیں ملے گا. وہ یہ کہہ رہا ہوگا, کہے گا کیوں مجھے جلدی لے جا رہے, وہ کہے گا پتنی مو نہیں. تو مسافر کے چہرے کو دیکھ کر پتا لگ جاتا ہے مسافر کی منزلی کیا ہے. میرے مرنے کے بعد میری خبر کا پتا نہ مجھے معلوم, نہ میرے پرندوں کو معلوم, نہ آپ کو معلوم, نہ آپ کی خبر کا پتا مجھے معلوم, لیکن ہم سب خبر کی طرف چلنے والے مسافر ہیں. ہمارے چہروں سے پتا چلتا ہے ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. اگر ہم جنتی ہیں تو کلام پاک کہتا ہے سیما ہوں گی وجوہین من اثر سجود, ان کے چہروں کو دیکھ کر نماز کی نشانی, داڑھی کی نشانی, ان کے چہروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد, ان کے چہروں کو دیکھ کر موت کی یاد, ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ والوں کی یاد, ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی تحجد کی یاد, ان کے چہروں کو دیکھ کر اپنی موت شدہ نماز کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. ارے بھائی یہ تو نمازی ہے اور تیری فجر کی نماز چھوٹ گئی, یہ نیک بندوں کی علامت ہے. اور 29ویں پارے میں سورہ زہر میں اللہ نے کہا ابو سن کم کریرا, یہ بند پڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ سوتی کپڑے کو کاٹن کے کپڑے کو سکھانے سے پہلے جب نچوڑا جاتا ہے تو آپ کھٹک کر ڈالنے سے پہلے جو جھریاں ہوتی ہیں وہ جھریاں کم ہوتی ہیں, اور جہنمی مسافر کے چہرے میں اس سے زیادہ جھریاں. کیوں؟ دونوں کی پریشانی, اولاد کی پریشانی, مالی کے مکان کی پریشانی, کاروبار کی پریشانی, زمین کی پریشانی, عدالت کی پریشانی, پولیس کی پریشانی, لائروں کی پریشانی, نظم ہوم کے چکر کٹتے نہیں. یہ جو عنوانات چل رہے ہیں آپ جانتے ہیں, رشتے داروں کے حقوق اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ بیان کا فائدہ آپ کو بعد میں ہوتا ہوگا, سب سے پہلا فائدہ, سب سے پہلی مار اور سب سے پہلی زر اور سب سے پہلی تنبیہ تو کہنے والے کو ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے. حضرت مولانا محمد امتیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول میں نقل کر چکا ہوں, حضرت نے فرمایا کہ اگر دین کی بات کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں سامنے والے سے الگ ہوں اور میں محتاج نہیں ہوں, اگر وہ نماز کی بات کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو میں دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں, داڑھی کی بات دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں, امانت کی بات دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں, پڑھنے کی بات دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں, کتا مسیر اور جو ہے چول گور یا غیبت کرنے والا دانی شرابی اور داڑھی موٹا دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے غضب کا بھی انکار ہو جاتا ہے. سب سے پہلے دین کا داعی خود مخاطب کبھی ہوتا ہے, اسی لیے حضرات انبیاء علیہ السلام و سلام کے لیے نبوت اور رسالت کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر پیغمبر اپنی نبوت پر خود پہلے ایمان لے کر آئے, حضرت موسیٰ توریت پر پہلے ایمان لے آئے, اپنے اوپر جو رسالت اور نبوت کا تاج پہنایا گیا اس پر وہ ایمان لے آئے, حضرت عیسیٰ ایمان لے آئے, تمام پیغمبر اپنی نبوت و رسالت کا اقرار پہلے کرے اور قوم کو دعوت بعد میں دے. ہر داعی اور ہر مقرر
एक आदमी की सुबह, एक आदमी की दोपहर, एक आदमी की रात गया हुआ है सुबह में फटाफट फटाफट रोगी को रात का जो है बाकी पालन नहीं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, घर में मक्खन है, घर में शाल है, या ये फ्रिज के अंदर कोई जो है उतना पालन रखा है, एक खा लिया और खा लेने के बाद चला गया बाजार को, अपनी दुकान में चला गया। या नहीं सर, जो है जमीन का कारोबार करने वाला वो जो है चला गया जमीन के कारोबार के लिए, दोपहर का खाना कभी होटल में खा लेता हूँ, कभी गर्म दोचा नसीब हो जाता है, कभी घर को जाना नसीब हो जाता है, रात का बच्चे सो जाते हैं, बेगम इंतजार करती रहती है, हर दिन जो है खटपट होती रहती है, क्या करूँ साहब, अगर ना बनाऊ तो बीवी को कौन संभालेगा, औलाद को कौन संभालेगा। और जब कारोबार करते रहते हैं, बिजनेस होता रहता है, 7 रुपए 9 रुपए नफा मिलने का रहता है, आप कितने बड़े संगी यार क्यों ना हो जाए और आप कितने बड़े उसके करीबी दोस्त क्यों ना हो जाए, आप जाकर बैठे वो 9 रुपए का नफा छोड़कर आपको जो माफ कर देगा, हर चीज नहीं, उस वक्त जब रही भी आएगा वही लेकर मतलब उस मौत भी आएगा, सदा रुकना बेमार हो रहा है। यानी ऐसे मालूम होता है पैदा हुए हैं कारोबार के लिए, पैदा हुए हैं रुपया कमाने, ये कौन सा आदाब है भाई, कौन सी मुसीबत है ये, अल्लाह ने हमें कारोबार के लिए बनाया, सुबह में बच्चों का चेहरा नहीं देखा, आने तक बच्चे सो रहे थे, माँ ने तैयार करके स्कूल को बच्चों को भेज दिया, रात में बच्चे सो चुके थे, बच्चे नाबालिग से बालिग हो जाते हैं, बचपने से बड़े हो जाते हैं, स्कूल से कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज से स्कूल चले जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, मंगनियां तय हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, बाप को पता भी नहीं लगता, ये अल्लाह का कहर है, अल्लाह का आजाद है, अल्लाह ताला ने हमें पाबंद नहीं किया, तुम करोगे तो हम देंगे, अल्लाह ने कहा नहु नहु हुकुम वल्लाहु, हम तुम्हें भी देंगे तुम्हारे बच्चों को भी देंगे, ना तकुलु व ला तकुलु खैयता इल्ला, तुम अपने बच्चों को कत्ल ना करो, अल्लाह ने कहा वामुर अहलक मिन सलाम व सबिर अलैहा ला नतअलु कलिका नहु नरजुकु वल आकिबतु लित तक्वा, अल्लाह कहते हैं तुम्हारा काम तमाम ठंडा और सबर से जिंदगी गुजारना है, रोजी हम देंगे, रोजी हम नहीं मांगते, हम नहीं कहते कि तुम अपनी जोड़ों को पालो, हम नहीं कहते तुम अपने बच्चों को पालो, हम नहीं कहते तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जोड़ों का क्या होगा, तुम्हारी औलाद का क्या होगा, नहु नरजुकु हम तुम्हें देंगे, उनको देंगे, वल आकिबतु लित तक्वा मुत्तकियों के लिए जो है और परहेज़गारों के लिए आखिरत है। हर इंसान इस अजाब के अंदर, इस मुसीबत के अंदर और इस झमेले के अंदर गिरफ्तार है, क्या नमाजी क्या बेनमाजी, क्या जो है आलिम क्या जाहिल, क्या इमाम क्या मुस्तगी, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या रुपया, हर इंसान को उसके लायक परेशानी अल्लाह ने दिया। जो लोग सॉफ्टवेयर हर दिन काम करते हैं, आप समझते हैं जो आदमी 3,000 क्या अजाब में कमाता है तो उसकी तरफ देखकर भी निकाल कर देखता है, जल छोड़ता है, बताइए दुकान के सामने जैसे कुत्ता लाट लटकाता है, 24,000 रुपए तनखा, 50,000 रुपए तनखा, ऐसे अंग्रेजों ने यहूदियों ने उनको बांध रखा है, वो 40,000 रुपए फुटपाथ के अंदर चटनी बनियान बेचने वाला जो 3,000 रुपए कमाकर अपनी बीवी बच्चों को पालता है, वो 40,000 में पाल नहीं पाता, उनको उन्होंने बांध रखा है। मल्टी नेशनल कंपनियों में जाएंगे जो चीज बाजार में 2 रुपए में मिलेगी वो 20 रुपए के अंदर खरीदेंगे, वो शिवाजी नगर के अंदर जो बच्चे का जोड़ा उसको जो है 90 रुपए में मिलेगा, वो फिर चाप के अंदर जो है 90 रुपए के अंदर उनका कहने देखे बनाते हैं, मल्टी नेशनल कंपनियां वहां पर लाकर रख देते हैं, अब उनको टाइम कितना तंग कर दिया जाता है कि शाम को जाते हैं उनकी जो लैला है या उनकी जो बीवी है शाम सेंटर में आई हुई, अब जाकर वहां दुकान में खरीदारी नहीं कर सकती, छत मार कर उसी कॉम्प्लेक्स की दुकान में जो मल्टी नेशनल की दुकान है वो जब 1 मरतबा 2 मरतबा खरीदारी की आदत हो जाती है तो देखिए कि हमारे घर के करीब जो काका का दुकान है कितने कंकर आते हैं, ये कितना नाकाम है, 4 रुपए ज्यादा हुए तो क्या हो,
महंगा जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, ऐसा आता से बचा ले, कभी रोना नहीं आता। दिन पत्थर हो गए हैं, पत्थर पिघल सकता है पानी के पढ़ने से, कुरान पढ़कर हमारा दिल पिघलता नहीं, हदीस पढ़कर हमारा दिल जो है पिघलता नहीं। बुजुर्गों के वाकया, मौत को देखकर, जनाजे को देखकर कभी मैं कहता हूँ मेरे बजाना क्या दिनों के उलमा के और हकीम साहब के हरम के और मदीने मुनव्वरा सब बजाना कलामे पाक का तर्जुमा सब चीजें एक तरफ कर दो। मैं कहता हूँ एक छोटा सा पत्ता बनाओ लकड़ी का, छोटा सा पत्ता लकड़ी का बनाओ, खबर उससे कितनी जमा होती है, ना हाथ मार सकते हैं सीधा, ना डाबा हाथ मार सकते हैं, ना पाँव नीचे और पर बता सकते हैं, ना सर ऊपर कर सकते हैं, ना उड़ू बैठ सकते हैं, ना तशहुद बैठ सकते हैं, ना देखा तो नहीं देखा। हमने अपनी माओ को दफन किया, अपने बाप को दफन किया, अपने खानदान वालों को दफन किया, खदीजे वालों को दफन किया, तो जब दफन किया देखा नहीं देखा, खबर का सही कितना होता है। आदमी तशहुद में बैठ सकता है, आदमी सजदे में जा सकता है, आदमी दाएं बाएं हाथ मार सकता है, आदमी लिट सकता है जितना कि वो कलम में लिट रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी ना हो, ना खबर में सांस आए, ना खबर में अजता आए, ना खबर में आग की, अदावे खबर तो बरहक है। इसमें पत्रिया मिलती है, इसमें पर आपको अल्लाह को और अल्लाह हुक्मों को आगिया, अल्लाह कहते हैं कि सुबह शाम जहन्नमियों के खबर के अंदर और नापरवानों के खबर के अंदर शाम को देख लिया जाता है। चलो आग भी बेइज्जती हो रही है, चलो वहाँ सांप भी नहीं काट रहा है, चलो मान लिया बिच्छू भी डंक नहीं मार रहा है, चलो मान लिया वहाँ मछलियाँ भी नहीं मिल रही है, यही बात क्या काफी है। आप तन्हा बगैर किसी सहारे के कितने घंटे अकेले रह सकते हैं, इस घंटे में सांप ना काटे, हमको तो काटेंगे। हवाई नमाजें क्या है, जुमा की दो रकात नमाज पढ़ने के बाद या अभी जो तकरीर होगी ना, तकरीर के बाद जो दो चार मिनट का वक्फा होता है अल्लाह के लिए गौर करो, दो ये जो दो चार मिनट होती है दो रकात नमाज, तहियतुल मस्जिद या नफिल नमाज या सलातुल हाजत या शुक्राने की नमाज कोई भी सलातुल तौबा, दो रकात नमाज पढ़ो, उन दो रकात के अंदर गौर करो कि मैं जो अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तहरीमा बांधा, क्या बांधने के बाद मेरा दिल अल्लाह से लगा हुआ है, मेरी निगाहें खुदा के कदमों पर पड़ी हुई है। हदीस पाक में आता है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जब नमाज पढ़ता है उसकी निगाहें अल्लाह ताला के कदमों पर गिरी हुई रहती है और उसकी निगाहें अल्लाह तबारक ताला के पंजों पर गड़ी हुई रहती है। दो रकात पढ़कर गौर करो, मेरी नमाज को आप देखने की जरूरत है, मैं आपकी नहीं देखता, मेरी नमाज को मैं देखूंगा, आपकी नमाज को आप गौर करो। दो रकात जिंदगी में 70 साल में 80 साल में 40 साल में तुम दो रकात वो लाकर बताओ जिन दो रकात का तस्करा अल्लाह ने हदीसों में किया, वो दो रकात लाकर बताओ जो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में खड़े होकर पढ़ते थे, वो दो रकात लाकर बताओ, अरे दो रकात तो दूर की बात, एक सजदा हजरत इमाम अली रहमतुल्लाह अलैह का लाकर बताओ, एक रुकू हजरत ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लाकर बताओ, एक रकात हजरत ज़ैनुल आबिदीन की लाकर बताओ। कई मरतबा वाकया मैंने बयान किया, नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिद को आग लग गई, मस्जिद को आग लग गई और तमाम लोगों ने शोर मचाया, और आपको मसला मालूम है कि नमाज में आग लग जाए नमाज तोड़ी जा सकती है, नमाज के अंदर सांस चोरी हो जाए कीमती माल नमाज तोड़ी जा सकती है, नमाज के अंदर सांप आ जाए नमाज तोड़ी जा सकती है, नमाज के अंदर बिच्छू आ जाए नमाज तोड़ी जा सकती है, नमाज के अंदर खासी आ जाए कत्ल करने के लिए नमाज शरीयत कहती है नमाज तोड़ी जा सकती है। सारी मस्जिद मुसल्लियों से वाली हो गई, हजरत ज़ैनुल आबिदीन तक की नमाज को मुकम्मल किया। वो जमाना ऐसी मोल्डिंग का जमाना नहीं था, सीटों की मस्जिद नहीं थी, वो छप्पर की मस्जिद की आग लग गई, सही था कि आग की लग पे हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत अली करमल्लाहु वजहहू के फज़ल से अर्जुमंद है ये आग की लपेटे उनको ले लेती, जब सलाम फेरा लोगों ने कहा बात है यहाँ की चिड़िया भाग गई, यहाँ का कबूतर भाग गया, यहाँ का जानवर भाग गया और आप अपनी नमाज को कतल नहीं किया, तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने बताया जहन्नम की आग ने मुझे दुनिया की आग से हासिल कर दिया, वो जहन्नम की आग की मेरे दिल में डर था कि दुनिया की आग मुझे नजर नहीं आ रही थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहहू अजान के बाद सर पर पत्थर कांपने लगते, पूछा जाता क्यों कांपते, हजरत फरमाते खुदा के दरबार में हाजिरी है, ये मुंह मंजूर की दाल ये मुंह के साथ इन चेहरे के साथ मैं खुदा के दरबार में नहीं बैठे जाऊँ, मैं इतना गुनहगार नहीं कहता हूँ कि 70 साल के दो रकात में एक सजदा लाकर बताओ, उस सजदे के अंदर तुमने खुदा को राजी किया हो।
उस सजदे से हमने अपने खुदा को मनवाया हो तो फिर हमारी कब्र में क्यों क्या कुछ नहीं होगा, क्या कुछ नहीं होगा हमारे कब्र में। Thank you.
नबी की सुन्नतों के लिए दुनिया दुनिया दुनिया, हमारी इबादत में भी दुनिया, हमारे सजदों में भी दुनिया, हज को जाकर देनी के बहुत साला में कारोबार सब पड़ा। ये मरतबा ये भी मेरे को दे दी, बीवी के हाथ को शैतान आ रहा, चलो एक मरतबा उमरा करा कर देखेंगे, काबे के पास में तो शैतान उतर रहा है। अबू लहब शैतान नहीं था, अबू लहब शैतान नहीं था, उसके आंख पर उतरा हुआ शैतान काबे के सामने 24 घंटे रहता था। उतरेगा इंसान शैतान जब बनता है, न काबा उस शैतान को उतार सकता है, न मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शैतान को उतार सकती है। हर इंसान हर नफस आज नमाज की बेनमाजी हाजी पानी उमरा करने वाला करोड़पति लखपति हाकिम महबूब कौन दे अबू सन फ्तरीला अबू सन फ्तरीला लाने हर किसी के चेहरे पर चुकिया हर किसी के पास पहचान लिया। मैंने कहा कि हमारे रिश्तेदार थे 3 पैसे के नाम भेजा करते थे, पहले औरतें बुरी औरतें वो नाम दिया करते थी, अब तो माशाल्लाह तरक्की हो गई है, अब ड्रग्स लेते हैं गांजा लेते हैं अफीम लेते हैं हीरोइन लेते हैं, 3 पैसे के नाम कुंडली में लेकर वो समझते थे कि वो गुनाह कबीरा कर रहे हैं। एक आदत पड़ गई थी वो असल में शुरू किया था अंग्रेजों ने, जिसे चाय है हमारे बड़ों ने बताया बुद्ध के बयान को सजाया मतलब हजरत का इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा 4 बजे अंग्रेज ध्यान के अंदर गरम गरम ताजा आसाम की चाह बाहर की चाह चाइना की चाह लाकर घंटी बजाता था, आ लोगो चाह पी लो चाह पी लो। तो हजरत कहते थे कि लोग घरों से छूट जाते हैं, ये सारी चाह में डाल रखा हुआ ये कौन की बुरी आदत डाल रहा है, ये सारी इससे जो है आदि बनाया घंटिया मार मार कर लोगों के घरों में दिन मार मार कर एम्बुलेंस की घंटी होती रहती घंटी बजती थी तो नहीं आते थे लोग, तो घरों में जाकर घंटिया हो आदि साफ डाले लो भाई इसका कोई मोल नहीं है, अगर तुम चाह लोगे तो तुम्हें जो है ये फैसिलिटी दी जाएगी, लोग से रहने में अदा करना साफ रहने में अदा करना पड़ेगा। ऐसे कर कर में जालिमों ने कुट्टी के अंदर ये आदत डाली, तो इसी तरह नाम की जो आदत थी वो औरतों को अंदर छीनने से वो समझते थे कि उससे जो है झंडा बवा निकल जाता है रेत निकल जाता है सर्दी हल्की हो जाती है, तो छीकनी के नाम से नाम भेजना शुरू किया। अब देखते देखते उसमें पावर पर बढ़ाते गए, जैसे कि इसमें जो है सिगरेट के अंदर पावर बढ़ता है ऐसा उन्होंने उसमें पावर बढ़ाया। 3 पैसे में 2 पैसे में नाम भेजा करने से हमने देखा वो हम जब जाते बच्चे थे पेट भरकर चॉकलेट खिलाते मिठाई खिलाते हलवा खिलाते, उस वक्त के जो कीमती खाने हुआ करते थे वो सारे खाने दस्तरखान में अल्लाह तबारक तआला ने दे रखा था, मेहमानों की रेल देन भी ईद के 12 दिन 15 दिन 20 दिन पहले बेटियां आ जाती गवाए आ जाते घर पर बच्चे रहते सुबह में एक पकवान शाम में एक पकवान 3 पैसे की नाश भेज कर घर के अंदर खैर बरकते कोई फर्ज पूछने वाला नहीं कोई इनकम टैक्स के खाते नहीं कोई इंश्योरेंस नहीं कोई बीमा नहीं ठंडी नहीं सोते खाना खाते खिलाते और जो है खाना बच जाता बेचारों के उस जमाने के अंदर तकवा नहीं था तो कहते कि जाओ मस्जिद के बाद कोई मुसाफिर आया होगा तो मगरिब में एक आदमी को दो आदमी को खाना खिलाने का मामूल था, रोटियां कपड़े में लपेट कर जाकर दे देते चापना बना कर जाकर दे देते 3 पैसे की लाश देख कर बिल्डिंगे लेकर चले गए प्रापणिया लेकर चले गए, उन पर किसी का दोष नहीं उन पर किसी का फर्ज नहीं। जिहालत थी वो जमाना जो है जिहालत का जमाना उलमा नहीं थे, किताबें उल्टे पढ़े जाते थे पढ़ने वाले को मालूम नहीं होता कि पढ़े वालों क्या पढ़ा है तो उसको क्या मालूम कि नमाज क्या रोजा क्या, बस ये समझते मगरिब के वक्त घी का जराब मस्जिद को भेज दिया जाए तो इंशाल्लाह हमारी आखिरत संवर जाएगी और हमारी खबर की जिंदगी समझ अभी खबर होनी चाहिए आखिरत हमारी संवर जाएगी वो ये सोचा करते थे। हमारे वालिद मोहतरम हरी मस्जिद में जब इमाम हुए शबरीस में दाखिल हुए वहां पर छोटे छोटे मेहराब लगे हुए थे, उन मेहराबों के अंदर घी के जराब और घी के लिए वहां पर जलते थे क्या वो भेजते थे, वो कहते पहले अल्लाह के घर को जराब है ये आदत की नादानी थी, शायद हो सकता है इन ना होने की वजह से अल्लाह को माफ भी कर दे, लेकिन कहने का मतलब ये 2 पैसे में 3 पैसों के अंदर कितनी खैरों बरकतें वो लेकर चले गए। आज एक एक आदमी के दो दो बिजनेस चार चार बिजनेस दुकान में करता है, दुकान में करते करते जब जमीनों का कारोबार करता है मकानों की दलाली करता है और फिर जो है रियल स्टेट का करता है और अगर चाबी नहीं रहा तो जो है ये रिश्ते लगाने का कारोबार करता है और उधार कर देता है 1 लाख रुपए लोगे 2 लाख रुपए लोगे इतना कर देंगे
रुपए हमें देना पड़ेगा, ये खुद घर का वीजा है। बाप भी करता है, बीवी भी करती है, भाई भी करते हैं, नेहरू भी करते और चेहरे कैसे अबू तक समझिएगा, चेहरों के अंदर दुनिया, चेहरे के अंदर परेशानियाँ, क्या बजे क्या है आगे। हमने रोजे में कोई कमी की, हम लेना ना जन्नत मांगते ना जहन्नम में पना मांगते, कुरान पढ़ते मांगते क्या मांगते, अल्लाह दौलत दे दे, माल दे दे, शहर दे दे, कौन सा घर। अब भी इस वक्त बेंगलोर में कितनी बूढ़िया बूढ़े हैं, चश्मा नहीं लगा बराबर का दिखाई देता है, कौन सा नगर दे दे, मंजन नहीं आता था। अगर किसी घर में बाबूजी मंजन बोलकर नया मंजन आया था, वो आ गया तो लोग समझते इस घर में कोई दांतों का बीमार है। और कोयले को पीस दे एक चुटकी नमक डालते बस उनके मोतियों जैसे दांत रहते थे, और ना फर्श था, ना कोलगेट था, ना कोई फैसला चीज थी, बस एक सारी जिंदगी थी कोयले से साफ निकल रहा था। ना जो है वो टैबलेट खाते, ना इंजेक्शन लेते, ना सर्जरी होती, कोई हॉस्पिटल खाली है कोई खाली, दिल के हॉस्पिटल, कैंसर के हॉस्पिटल, ये तो वाल लाभ होने के हॉस्पिटल, शुगर के हॉस्पिटल, डायबिटीज के हॉस्पिटल, कोई ब्रेन ट्यूमर के हॉस्पिटल है कोई खाली। दुकान खाली हो तो हो, मकान खाली हो तो हो, कोई हॉस्पिटल, कोई नर्सिंग होम खाली है, लाइन लगी हुई है, सवाल लगी हुई है। आप जानते तो कहेगा कि आपका नंबर वर्क जो है एक साल बाद आएगा, वो कहेगा यार एक साल तो मेरा बात खिलाफ हो जाएगा, मैं जाऊंगा, हम कुछ नहीं कर सकते, लाइन में आना पड़ेगा। तो इमरजेंसी इंटरनेट यूज किया, मरीजों के जरिए से फोन करवाया, रिश्वत किया, सब जो है फाड़ कर हड्डियां तोड़ कर उन जो है बाल को लूज किया जा रहा है। क्या हालत है ये, क्या सुकून है। कावेरी का पानी घरों में संग्रह कम है, पानी ज्यादा है। क्या आपको जो है राष्ट्रीय टीमों के अंदर उनका चावल पहले रही कम मिल रहा है, और आपके घरों के अंदर टैबलेटों का अंबार खतार लगा हुआ है। क्या है ये जिंदगी है, गोलियों के अंदर जीना, तालीमों में जीतना, और हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना, अदालतों के एक लड़ाई होती है, एक झगड़ा होता है, पुलिस वालों की कमाई कमाई झगड़ा संस्कृत में होकर खत्म हो गया। किसी ने किसी को पत्थर फेंका और वहां उसका शीशा फूट गया, फूटने वाले शीशे ने उससे दूसरे की शीशा लगवा ही दिया। ये तो कानून के ठेकेदार है बाकी वर्दी वाले, और कहते हैं हम कौम मिल्लत की हिफाजत करेंगे, हम जब तक कौम को पहरा देंगे। और हालत क्या है, हालत यह है कि हम तू पत्थर मारा तो चार आदमियों को दिखा, अब चार आदमियों को पकड़ कर करते तो आठ आदमियों को दिखा, उनके बाबा को बुलाते हैं और बाबा को बुलाकर कहते हैं इस पर दफा तीन सौ दो लगता है, वो पत्थर कटपटी को लगता तो मर देगा था, ये इंसान कतल है, ये कतल करने जा रहा था, वो शीशा कटवा भी लिया तो उसे उसकी दुकान चली गई। क्या वही इन चोरों की, उचकों की, बदमाशों की पिकपॉकेट करता है, अपनी माँ बीमार है दिल नहीं दे सकता पिकपॉकेट कर लिया, चोर चोरी करता है बच्चे बच्चे का ट्यूशन एडमिशन दे नहीं सकता, ये पिकपॉकेटर चोर पकड़ा जाता है, बड़े चोर थानों के अंदर उसकी जेब खाली कर देते हैं। कोई आदमी अगर थाने के अंदर लाखों में जाए, एक दर्जन हजार रुपया हो, कसम है उसके पैदा करने वाले भी उसके पैसों के साथ आ जाए, उसकी घड़ी के साथ आ जाएगा, अंगूठी के साथ आ जाएगा, मोबाइल के साथ आ लंबा कर भेजते हैं। अगर मेंटल केयर की एसी हो, स्टार्टअप कंपनी की हो, आप उसको भी निकाल लेंगे। ये जो है जुल्म का दौर दौरा, ये तशद्दुद आपको मालूम नहीं होता। हम समझते हैं जब पहली मरतबा इंगवान होते हैं खानों के देश में, हम समझते हैं दुनिया में पहली और आखिरी मरतबा हम खाने के चक्कर काट रहे हैं। आप रात के ढाई बजे तीन बजे हम खुद कर जब आते हैं तो खाने के बाद भूखा कोई खवाती दाढ़ी वाले, कोई रोता हुआ, कोई लगता हुआ, कोई तड़पता हुआ, कोई पैर सुनता हुआ, तो कहा जाता है सलाम कई नौ आओ अल्लाह के बंदो भजन की नमाज पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारा वकील हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारा हकील हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारा सामदार हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी का मालिक हो जाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत और जिल्लत का मालिक हो जाएगा। नहीं आते कुत्तों और जानवरों की तरह पड़े रहते हैं। अल्लाह की कसम में देखता हूँ तो वो मंजर याद जो है ताजा हो जाती है। अल्लाह के अली ने साहब का मतलब 1400 साल से अल्लाह ताला आपके जरिए से निजा लगा रहा है। हयालन सला हयालन मला आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ असलाम को कई लोग मिनन दो। ये जानवरों और कुत्तों की तरह जो तुम पड़े रहते हो ये अच्छा नहीं, आ जाओ। कितने लोग फजर को आते हैं, कितने लोग शराब पड़ते हैं, कितने लोग अल्लाह का काम करते हैं, पत्थर खेल खेलने के केस में गया रात के ढाई बजे, एक शराबी पीवट बड़े बड़े मुच्छा वाला मादर साहब नंगा कर उल्टा लटका कर वो पहाड़ी की जगह
भी नहीं जा सकते, अब ये खड़े में मच्छरों के अंदर खड़ा हुआ है। ये बहुत सी अजाब की जिंदगी है मेरे भाई, ये बहुत सी जो है हमारे ऊपर लानत का बोझ अल्लाह तबारक तआला ने डाल दिया है। आखिर इलाज क्या है? हजी कर देख लिया, तिलावत करके भी देख लिया, रोजा रखकर भी देख लिया, और रोजे इसलिए रखे कि रोजे को असल में उसे छोड़कर 16 सैयद के 18 सैयद के रखकर देख लिया। अल्लाह के नाम का खाना खिलाना सबका हर अल्लाह के लिए होता है, लेकिन अल्लाह नाम का वाकत भी खिलाकर देख लिया, भूल की मामला ये भी कर देख लिया, और अजब के गुट्टे ये भी कर देख लिया, जागी मारवी तेरवी चौथी शरीर सब को कर देख लिया, या हम सब कम तरीरा की जिंदगी से नजात कब मिले। हम दुनिया ये मुसीबत के लिए आए थे, गैरों के सामने हाथ बांध कर खड़े, पूरी दुनिया में इस वक्त कितनी रुसवाई है हमारी, इस वक्त तक अल्लाह की मतलब सर उठाकर मैं तो नहीं जी सकता। आप जी सकते हैं, आपके पास माल है, दौलत है, तकवा है, अल्लाह की कसम अगर इस वक्त मौत आए मरकुल मौत में कहूंगा कि लाते बरसा तंग आ चुकी है जिंदगी, सच बोल बोल नहीं सकते, हक बात कह नहीं सकते, ईमान इस्लाम कुरान और हदीस अल्लाह के नबी सहाबा तकवा कहां चल रही है जुबान, तकवे के नाम पर लूट है, दीनदारी के नाम पर लूट है, मस्जिद के नाम पर लूट है, यतीम खाने के नाम पर लूट है, बेवाओं की साड़ियों और उनकी चिंदियों के नाम पर लूट है, लूट है, लूट है। उसी का इतवार की पहले इतवार को मैंने अखबार के अंदर इश्तहार दिया था, अगर आपने नहीं खरीदा तो उसको खरीदिए, बेंगलोर का एक अखबार है रोज नामा सालार, बड़ा मशहूर और मारूफ अखबार है। आखिरी सफे के अंदर मैंने इश्तहार ऐड किया था, हमारी पोजीशन सिचुएशन क्या है, हम अल्लाह का घर बनाने जा रहे हैं, अल्लाह को मंजूर होगा अल्लाह बनाएगा, अल्लाह हमें खिदमत में लगाना चाहेगा अल्लाह लगाएगा, कयामत के दिन कुछ नहीं होगी ये तुमने मस्जिद क्यों नहीं बनी, शुरू करना हमारा काम था, मुकम्मल करना अल्लाह का काम है, शादी करना बंदे का काम है, औलाद देना अल्लाह का काम है, दाना डालना बंदे का काम है, अनाज देना अल्लाह का काम है, कुआं खोदना बंदे का काम है, झरना देना अल्लाह का काम है, बोर लगाना बंदे का काम है, पानी देना अल्लाह का काम है, हम काम करना हमारा नतीजा देना अल्लाह के हाथ है, हमें कोई फिक्र नहीं, कुछ दिन बनेगा नहीं, जरूर मिलेगी, जमीन आसमान का बोझ हमारे सर पर आ चुका था, नींदें हराम हो चुकी थी, फिर अल्लाह तबारक तआला ने करके बदल दिया, अल्लाह ने इत्मीनान दिया, तो पुलिस कानून उससे पहले वाले इस बार गए दुआनी उससे पहले वाले इस बार सारी याद रही, सालार के सबसे आखिर में एक फैक्ट दिया था, उन्वान था इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद, जैसे ज्यादा शादी से पहले शादी के बाद कमजोरी की दवा, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद उन्वान का महासर ये था कि अभी बेंगलोर के अंदर यतीम खाना अहले इस्लाम का इलेक्शन हुआ, बड़ी बड़ी मस्जिद तारा मंडल संगीत जामा मस्जिद का इलेक्शन हुआ, मर रहे थे लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कर रहे थे, फिर लोग आज भी अखबार जाकर देखिए ठीक है जाकर शरीफ का, और जो है बड़े बड़े मरीजों के हवाले से भी मांगे मुझे वोट दो मुझे वोट दो, तो कह रहे थे हम यतीम खाने के यतीमों के बाली बनेंगे, सरपरस बनेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, संगीत जामा मस्जिद जो बेंगलोर का कदीम इदारा है उसकी हम देखभाल करेंगे, मदरसा कराएंगे, एक रफा फैली थी, मालूम होता था एक आदमी दूसरे आदमी का खून का प्याला पी लेगा और इन रजा कही कर आदमी अपनी जान को दे देगा, एक मुकम्मल एक लड़ाई थी, एक महाभारत थी, इसको महाभारत कहिए, एक जंग थी, वो कहता मुझे उठो, ये कहता मुझे उठो, वो जीत जाने के बाद वो ही मुबारकबादी देगा, एक एक ऐड के लिए इश्तिहार कलम देने के लिए 7,000 देने पर वो मुगटला मुहम्मद का इश्तिहार नहीं रहूंगा, मेरे पर जीत जाने का मैं जीत गया तो इसके से कोई अब्दुल गनी है, अब्दुल गनी अंदर साहब आपको मुबारक हो, आप यतीम खाने के सदर बन गए, फिर कहता है वो 10,000 रुपए लेकर मुझे मुबारकबादी, मुबारक हो यतीम खाने के आप मेंबर बन गए, सभी मैंने कहा कि ये जो अहदे पारे हो क्यों पारे हो, इसलिए पारे हो कि यतीमों की खिदमत करोगे, अल्लाह के ये जो वक्त की गई जमीनों की इसकी हिफाजत करोगे, तुम मर क्यों रहे हो दूसरों से 10,000 रुपए का हाथ दिलवाकर, आओ हम इस मस्जिद हरम अनवारुल हरम बन रहे हैं, आओ हम तुम फ्री सदर बनाएंगे, फ्री सदर की अल्लाह की पसंद मत मिंबर रसूल है, और मुझे अपनी कहीं भी बात का ताके बात करवा, एक फर्क कोई फोन किया होगा हजरत मैं ये खिदमत कर क्यों क्या मिल पाया, वहां क्या है यतीम खाना आज करोड़पति इदारा है, उसके जो है लाखों की इनकम है, वो काम खाने को सदर बनेंगे, सारे को अलर्ट करेंगे, सारों को जो है बढ़ा देंगे, वो जो है मस्जिद की दुकान है, वो यतीम खाना बड़ा इनाम है,
ये मतलब भी नहीं था किसी इंसान से कि कोई आदमी आकर ये खिदमत करे। अल्लाह तबारक ताला गरीबों से काम ले लेगा, अल्लाह फकीरों से कीड़े मकोड़ों से काम ले लेगा। मुझे थप्पड़ मारना था उन कमीनों पर जो हुजूर के लालच की कुत्ते और लोग के लिए मर रहे थे। और तुम्हें होना चाहिए हम देखे यहाँ एक मस्जिद तामीर करो, यहाँ सुबह चबूतरा एक फर्ज नहीं आया। हम चाहे उसका तालिबन 150,000 रुपए एक साहब अपने दौर से अल्लाह ताला ने निदाय खैर दे, अपने दौर से उन्होंने उस इश्तहार को ऐड को शायद कर दिया। अरे कम से कम आपने ये कहा था यतीम खाने में रहने वाले जो इलेक्शन हार रहे हैं फिकर की बात नहीं, मगर हमें क्या हिम्मत कर सकते हैं। एक पर हिम्मत करना हो तो ना अल्लाह ये तक लिखा है तालिबे जन्नत जन्नत में मकान बनाने वाले, ए सेवाओं के सरों पर हाथ फेरने वाले, ए यतीमों के रखवाले। मुमकिन है किसी वजह से तू इलेक्शन हार गया हो, खुदा के यहाँ तू इलेक्शन नहीं हारा, हाँ हमारे यहाँ मैदान खुला पड़ा है खिदमत के लिए। अगर उसे खिदमत करनी होती, अगर उसे जन्नत में जवाब पानी होती, अल्लाह की रजा और खुशनुदी पानी होती, तो एक कौन करता हजरत में क्या खिदमत कर सकता हूँ। मेरी मई की अम्मा के नाम से एक बोल खुदा देता हूँ, मेरे बाप के नाम से मई की जमीन में एक पद, तो क्या मालूम हो रहा है आज तकवे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, यतीमों के नाम पर, बेवाओं के नाम पर यही कुत्ते दुनिया हड़पते हैं। उन्हें दारुसलाम में बिल्डिंग है कोई करोड़ के अंदर, वहाँ जो अपार्टमेंट है दुकाने हैं, वहाँ जो क्या रहे हैं करोड़ों करोड़ों की आमदनी है उनसे। लेकिन जब यतीम खाने का कोई इलेक्शन जीतता है और मेंबर बनता है तो अब वो किराएदार किराए को देना पड़ता है, तो किसे किराए को देगा। मैं अपने रिश्तेदार को, भाई को, दादे को, दाड़ू को, कोई जो है खलेरे भाई को, नजेरे भाई को यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। यतीम खाने से इलेक्शन लड़ना यतीमों की मदद करने के लिए नहीं, अमरीका से, इंग्लैंड से, रशिया से, सऊदी से ये यतीमों की वीडियो बनाकर इनकी क्लिप बनाकर बच्चे गरीब बच्चे सुबह में देखो कैसा नहीं में खड़े होकर खाना ले रही, कैसा जो है पुराने कपड़े पहन रही, कैसा जो है खाना अल्मोनियम के बासन के अंदर प्लेट के अंदर खा रही। वीडियो पकड़ पकड़ कर कंपनी को भेज कर करोड़ों रुपये आता है, अरबों रुपये आता है। क्या यतीमों के सामने वाले या यतीमों के नाम पर खुद का पेट पालने वाले हैं। अगर इनको होता चाहिए था, अगर इनको खिदमत करनी चाहिए थी तो हमें पूछते अनुमान यहाँ पर करना पड़ता है, वहाँ फायदा उठाना पड़ता है, नहीं अनुमान का फर्क है। यहाँ खेती होनी पड़ती है, वहाँ फसल तैयार है, खाना पड़ता है। ये खाने के कुत्ते हैं कुत्ते, ये दुनिया जो है दीन के नाम पर दुनिया समा रहे हैं, यतीमों के नाम पर, बेवाओं के नाम पर, मिसकीनों के नाम पर। ऐसे समाने में कहो जीत खीले की उम्मीद करेगा खुदा जो नहीं रहा। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम अगर सही मानो में औलिया अल्लाह मिन दूनिल्लाह फतमन्नौ अल-मौत इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने कहा कि यहूदियों को तुम कहते हो ना कि पूरी दुनिया में सारी दुनिया के लोग छोड़कर हम अल्लाह के वली है, हम अल्लाह के वली है। अल्लाह ताला ने फरमाया औलिया अल्लाह मिन दूनिल्लाह फतमन्नौ अल-मौत, जरा मौत को तो बंद कर दे दो, इनको तो सादिकीन तुम जो है अगर सही मानो में सच्चे हो अपने जो है दावे के अंदर अल्लाह ने कहा करिए मौत को गले लगाने के लिए तैयार। ये दुनिया है भाई कि जहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो जाले अफ्ता का मामला हुआ और पाकिस्तान के अंदर जाले रशीदिया और लाल मस्जिद का इतना जलील हुआ, इतना बच्चे राहों के सड़क पर जाते हुए शर्म आती है कि हम क्या शक्ल लेकर जाए, क्या सूरत लेकर जाए। इतना मुस्ता अल्लाह उसको तबाह करे, बर्बाद करे। अल्लाह तबारक ताला हमारे अकाबरीन और हमारे बुजुर्गों के खाक को जल्द से जल्द शर्मिंदा तामीर करे। अल्लाह तबारक ताला वो कुल इस्लाम से बना था, इस्लाम के नाम से, मुसलमानों के नाम से, कुरान के नाम से, हदीस के नाम से, अल्लाह हमारी मौत से पहले वो मंजर वहां पर निकाले। अल्लाह ये कुल के पाक को कुत्तों को तबाह करे, बर्बाद करे। अल्लाह के अमरीका के पाक को कुत्तों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाह ताला इनको झूठे गुलाम मानने वाले आदमियों को तबाह करे, बर्बाद करे। क्या भी देखने में आ रहे हैं भाई इस मदरसा की नूरान मस्जिद जिस पे आप बैठे हैं, अब फर्ज कीजिए हमने हुकूमत के खिलाफ यहाँ पर हमने सरपेशी कर दी, ऐलान जंग कर दिया। बिजली किससे पाओ, बिजली पैदा करते हैं, बिजली बाहर से आती है, पानी बाहर से आता है। बिजली कट करती है तो कितने दिन हम जी सकते हैं, फोन कट करती है तो बाहर हम कितने दिन बात कर सकते हैं, पानी कट करती है कितने दिन हम जिंदा रह सकते हैं। अनाज गंदा इनको खत्म कर दिया जाए, बाहर से अंदर ना आने दिया जाए, बाहर चला दी जाए बहुत बड़ी अल्लाह की खत्म। एक चूटी मरे बगैर, एक चिड़िया मरे बगैर, वो जो है अगर हुकूमत गलत भी काम करना चाहती
तो जामिया हमदिया हमदा अल्लाह मस्जिद पर उसका कंट्रोल हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ झूठे खुदा को खुश करने के लिए और अपनी चीज पर उनकी जो है सप्तमी को बजाने के लिए। इस हरामी कबीले में अल्लाह हमारा सारा इंशाला इब्राहिम का जो बड़ा था कानून जो खून के खतरे खतरे के अंदर जो है ईमान का फायदा होकर सड़क सड़क पर मौत को मुद्दा था और अल्लाह ने उसे मौत नहीं दिया। इंशाला हमारे बुजुर्गों को हुरमत को पामाल करने वाले, हमारी मसाजिद की हुरमत को पामाल करने वाले, हम नहीं कहते कि जामे हफ्ता क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। इतना तो जरूर हुआ कि इसमें उलमा की रुसवाई हुई, इसमें मदारिस की रुसवाई हुई, इसमें कुरान पढ़ने वालों की रुसवाई हुई, इसमें शीर खा सके दूध पीते बच्चे ये बिलक बिलक कर मर गए, तड़प तड़प कर मर गए। जमाने जाहिलियत के अंदर जब जिंदा महबूल करने वाला शायद रसम से मजबूर होकर दस्तूर से मजबूर होकर खट्टा फोड़ कर नजरे को डालता भी होगा, कई लोगों के बारे में आता था आंखों से उसके आंसू चले जाते थे। अपनी बच्ची को देखकर फरान ने कहा वइज़ल मौऊदत सुइलत बियदी ज़म्मिन क़ुतिलत, के वो जिंदा नरगोश की इसी बच्ची को पूछा जाएगा किस रूप के अंदर और किस गुनाह के अंदर तुम्हें कतल कर दिया गया। ये जामिया हफ्ता ने शीर खास कर दिया, ये कुरान पढ़ने वालियाँ, ये हदीस पढ़ने वालियाँ या सहरी आकाश सत्याग के जिसको सूखने के बाद आदमी की हड्डियाँ तक 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 टूट जाती है, जिसमें सांस लेने के बाद खून की लहू और उल्टियाँ जो है खून और लहू की उल्टियाँ होने लगती है और इंसान अंधा हो जाता है, ये अजाब देकर मारा गया। जब अल्लाह ने उन जो है जिंदा महबूज की जाने वाली लड़कियों के बारे में कहा वही जल महबूज सुलत जिंदा महबूज की जाने वाली लड़की से पूछा जाएगा ये जमीन उसी लग, ये हमारी माएँ, ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियाँ, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं कर पाया सिवाय इस दुआ के, हमारे हाथ भरे हुए, हमारी जुबानें भरी हुई, हमारे पैरों पर हथकड़ियाँ लगी हुई, ये प्यार से अल्लाह ताला पूछेगा ये जमीन उसी लग जिस जुर्म के अंदर तुम्हें मार दिया गया, इस जुर्म के अंदर तुम्हें शहरी दिया भी नहीं, तुम्हारा हुजूर क्या था, तुम्हारा खुदा क्या था। अगर आप रशीद ने ऐलान बगावत किया हो तो किया हो, इन बच्चों ने क्या किया था, ये खाल अल्लाह खाल रसूल की सलाहें लगाने वाली इस जालिम ने वो काम किया कि इस्लाम और मुसलमानों को सौ जो है सौ साल की शर्मिंदगी उठानी पड़ी। देखिए ये पानी मारे से जाता है, पानी को ये जो है खत्म कर सकते थे, करंट को खत्म कर सकते थे, अनाज को खत्म कर सकते थे, रसे को खत्म कर सकते थे, वहाँ के फोन आने और जाने को खत्म कर सकते थे, तो कितने दिन हमारा हल्ला चलेगा, कितने साल चलेगा, कम से कम किसी चिड़िया का तो खून नहीं होगा, कोई खून खराब तो नहीं होगा, सब कुछ हो सकता था। बिल्डिंग के पास फौज के बैठे पास के लाख दर्जे हिंदुस्तान बेहतर है, गुजरात के प्रताप के अंदर मारता है कौन हिंदू, किसे मारता है मुसलमान को, बेलगाम के प्रताप में मारता है कौन हिंदू, मारता है किसे मुसलमान को, मारने वाला काफिर मरने वाला मुसलमान चलो शहीद है, वहाँ इतनी बड़ी दाढ़ी वाला घोड़ा चला रहा है लाल मस्जिद के किनारे पर, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला बारूद चला रहा है लाल मस्जिद के गुंबद पर, मारने वाला भी कलीमा को मरने वाला भी कलीमा को, अल्लाह को मालूम अंजाम क्या होगा, अल्लाह ताला उसका हश्र क्या करेगा। तुम तो कुछ किया जा सकता था सिर्फ झूठे खुदा को खुश करने के लिए, झूठे खुदा को राजी करने के लिए ये खून का ड्रामा खेला गया, बच्चियों का मतले आम किया गया और तलवा दाढ़ी वाले उनके हाथ जिल्लत के साथ बांध कर दहशत गर्दों की तरह ले जाकर दुनिया वालों को भी कहा कि कुत्तों को भी खाकर उनको खुश किया गया, उन सज्जाद की इबादत की गई। ये है इसे जमाने के अंदर, ये किस जमाने के अंदर आज एक हक वाला सर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता, अपने आप को आगे हक नहीं दे सकता, अपने आप को दीन का दाई और दीन का मुबल्लिग नहीं कह सकता, अपने आप को नबी का गुलाम नहीं कह सकता, अपने आप को अल्लाह का सच्चा बंदा नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ कि यह जिंदगी से कोई बात नहीं, इससे वो कबर की जिंदगी के जहाँ पर कुछ कीड़े आ भी जाते हैं चले भी जाते हैं, वो कबर जहाँ पर आई है वो कबर जहाँ पर दिया मिलती है, कम से कम गैरों के सामने जिल्लत तो नहीं होगी, गैरों के सामने रुसवाई तो नहीं होगी, गैरों के सामने सर झुकाकर जो है जिंदगी गुजारने का मौका तो नहीं होता। किसी ताल्लुक से मीडिया वाले यहाँ पर आए थे, लोगों का दमाग खराब है, जो मुंह में आता है बोलते रहते हैं। देखिए बात चीजें मजबूरी होती है, इंसान का बस नहीं चलता, आप गाड़ी जब चलाते हैं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी आपकी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, आपकी गाड़ी खड्डे में गिर गई, आपका क्या कसर है, ये कुछ जिंदगी के अंदर एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, इन हादसों और एक्सीडेंट
تکڑ ہر چیز کا اٹھا کر پڑھیے کہ اس کے اندر کتنی وضاحت ہے کہ اسلام جس کاغذ میں جماعت کے بارے میں کہا اس کے 6 نمبر ہیں، پوری دنیا میں یہی 6 نمبر چلتے ہیں، بعض جگہ مجبوری ہوتی ہے تصویر وہ جیلے میں ہیں، اس مسجد کے ممبر ہیں وہ گواہ، اور یہاں کے جو مؤذن ہیں گواہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ تصویر نہ لیں، لیکن اس نے کہا کہ آپ وہ ریڈ فلم والی جو ہے وہ جو آپ کا جو یہ ہے وہ دکھائیے، اب ان کو کرنے کرنے ٹیڑھا کر کے لے لیا، جیسے ٹریننگ میں مجبوری ہے، لیکن اگر ہم اسے کہہ کر بچے آئے موت کے سامنے کہا تھے سچائیاں کہا تھی، آج میڈیا موجودہ زمانے کی ایک وجیہ ہے، ایک پیام ہے، میڈیا کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، اب آپ اسے نامہ کہیں گے فوٹو نہیں کھینچاتا، میں جو ہے تیرے سے بات نہیں کرتا، تو آپ اپنا پیغام پہنچائیں گے کیسے قوموں میں لگ ہزاروں ہزاروں افراد ہندو ٹیلر پڑھتے ہیں دکن حرام پڑھتے ہیں، تو اگر ہم اس کو چھپا لیں تو کہیں گے یہ سمیر کبھی آتے تھے مولانا سے ملاقات سے، مولانا نے ان کو جہاد کے لیے اتایا، پہلے غزی کے لیے اتایا، غلام کیا، ان کے گھر کے اندر بھی یونیٹ ملی، تو یہ کیا ہوتا ہے اصل میں کہ آپ ان چیز کے سامنے مسجد مٹا رکھے، آپ گھر چکن بریانی رکھے، اور انجیر کا خود لوگوں نے کیا ہوا پامانا رکھے، گلگلا کے کیڑے کا سفر جو ہوتا وہ پامانا کھاتا ہے، وہ میٹھا نہیں کھاتا، ارے اللہ کے بندے کیوں پامانا کھاتے ہو، اس میں اچھے جو پہلو ہیں آپ کو معلوم کہ مولانا کشمیر کے کتنے خلاف ہیں، جب آئی ہے کوئی مجبوری ہوگی، کوئی جو ہے عذر رہا ہوگا، کوئی بڑا مطلب، میں جو ہے اس کو جانا چاہتا ہوں، پاسپورٹ لینے کے لیے گیا، پاسپورٹ آپ کتنا دے گا کشمیر کا، نئی جی شریعت میں آنا تو پیغام پر حضور آ جاؤ، کیا کریں گے، راشن کارڈ بنوانا، لائسنس بنوانا، مجبوری ہے، اب یہ ہے میرا کدھر سے میں بیٹھ کر فوٹو کھینچا کر ٹیبل میں ڈال دوں، یہ کون سی مجبوری، مسجد کے لیے ادھار مار دوں، یہ کون سی مجبوری، مسجد کے لیے تیر کر دیں، یہ کون سی مجبوری، مسجد ہماری پڑھنے والے نمازی پڑھانے والا امام نمازی چودھری داڑھی مٹا جو ہے وہ جو ہے مسلمان، کیا ضرورت ہے وہاں پر میڈیا کی تصویر کی، جہاں ہمارا بس نہیں چلتا، دکھن ہار ہمارے ہاتھ کا تو بنگلور ڈیلر ہمارے قدر کا تو نہیں، اب میں ہاں قوم انہوں نے اتنی غلط کہہ دیا، آپ جانتے ہیں آپ کو کیا بھی انٹرنیٹ پر بیان بعد میں ملتا ہے، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو یہ بیان پہلے جاتا ہے جاتے یا ڈائریکٹ بیان جاتا ہے، وہ اس میں سوال اس کرتا ہے کہ کیا کس قسم کا بیان ہو رہا ہے، تو اب ان لوگوں نے غلط پہلی تیاری کے ہم دہشت پھیلا رہے ہیں، تو توڑ کرنا ضروری ہے، ہمارے اوپر آئے ہوئے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا اور دفاع کرنا اسلامی فریضہ ہے، میں ایک عورت کو لے کر جا رہا ہوں سفر میں، سامنے کی سیٹ میں بیٹھا ہوا پوری مار کر کسی ضلعے کو جا رہا ہے، تو میرا فریضہ ہے، میری ذمہ داری ہے کہ بغاوت کرو، یہ کوئی اور رنڈی نہیں ہے، میری بیگم ہے، یہ حلال کی جوڑو ہے، یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، ایک صحابی کنگھی انگیوں سے کنارے کی انگیوں سے دیکھ کر آگے بڑھ گئے، اللہ کے حبیب پاک آج لگی تشریف لگے، کہا کیا بات ہے، فرمایا علی جو تم دیکھ رہے ہو رہے یہ تمہاری ماں ہے یا میری بیوی ہے، رونے لگے شک پٹانے لگے، اللہ کے حبیب پاک کا تعلق آپ کے بارے میں کوئی خیال کرے گا کیا میری اور عورت کو سامنے کر جائے گے، اللہ کے حبیب پاک کا تعلق نے فرمایا انسان کے خون جیسے جسم میں دوڑتا ہے شیطان خون کے ساتھ دوڑتا ہے، یہاں تو کافی کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھ کر تم سمجھ لو گے کہ میں جو ہے بیوی کو لے کر پھر جب گھر میں جاؤ گے اپنی بہنوں کو کہو گے آج ہمارے حضور کے بھی اور کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو الزام جب آتا ہے الزام کو دفاع کرنا ڈیفنس کرنا نبی کی سنتوں میں سے ہے، مجبوری ہے کہ وہ لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے، ہم سے بھی اتنا ہو سکتا ہے، ہم نے ان کی کوشش کی، اس مسجد کے جو ممبر ہیں موجود خان ہیں وہ گواہ ہیں، انٹرویو کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا کہ ہماری شریعت میں جائز نہیں منع ہے، انہوں نے کہا وہ سرٹیفکیٹ دکھائی آپ دیکھیے لمبا ہاتھ ہے، اس میں سرٹیفکیٹ پکڑ کر فوٹو دینا ہوتا گول کر کے لے اسے لمبے ہاتھ سے دکھا ہے فوٹو پکڑ کے لے، فی الحال اس نے جو ہے سرٹیفکیٹ کی طرف کیا اور کیمرے کا بھی پکڑ کی طرف کیا، تبھی ہمیں شک ہوا کہ یہ شاید لے رہا ہوتے ٹھیک ہے کیا کر سکتے ہیں، لے لیا ہے اس کو ریورس تو نہیں کر سکتا، لیکن ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ جماعت کرنے کی نماز کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، نئے اسلام کی مسجد کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں ان میں دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی جاتی، اور مسجد اقبال حرم جو بنایا جا رہا ہے وہ جامعہ رشیدیہ اور جو ہے جامعہ حفصہ اور لال مسجد کی طرح کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ حقیقت دنیا کے سامنے لا سکے، تو کچھ گندے قسم کے لوگ دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جواب ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہاں جے نگر نئی ضلع میں ایک آدمی کا کھلیوں کا بیماری گنیش کا پجاری تھا، ہم نے اس سے قربت حاصل کی، ہم نے اس سے تعلق حاصل کیا، یہ سوچ کر گنیش کی پوجا چھوڑے، یہ سوچ کر کچھ پلکی چھوڑے، یہ
सोचकर वजीर छोड़े, काबे की राह दिखाई, मदीने का रास्ता बताया, मक्के का रास्ता बताया, उसके चेहरे पर दाढ़ी लाने की कोशिश की, मस्जिद में लाने की कोशिश की। ये फिर ख्वाजा बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है, वो जो है पाकिस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह वाले ये उम्मत को यही बदल रहा है, दोस्तों से दोस्ती कैसे की जाए, दुश्मनों से क्या रवैया अपनाया जाए। उनके बड़े कीमती अल्फाज उन्होंने पंजाबी शेर शायरी के अंदर गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कौवा होता है ना, कौवा हजरत के कहने का मतलब इन कमीनों से दोस्ती ना करो। कमीने जो होते ना, इनको कमीना पर ही आना, ये सब इज्जत का भाड़ा फोड़ देंगे, सब दोस्त पाटक कर देंगे, सब जमीन कर देंगे, सब रुपा कर देंगे। वो आपने बाकी अपना होगा कि साहब ने जो है शेरवानी भी अपने दोस्त सुल्हा को कि भाई तुम सुल्हा हो शेरवानी पहन लो। अरे मसले के अंदर कहने लगा, देखो बेटे रियादारी तो नहीं करता, लेकिन जरूरत की इंसान इंसान के काम आता है। लोगों सुनो, ये दुल्हा जो खेला शेरवानी मेरी है। अब कहे यार तूने मेरी इज्जत उड़ाई, मुझे कहने की क्या जरूरत थी, बताने की क्या जरूरत थी कि शेरवानी मेरी है। तो फिर उसके बाद दावत के लिए बैठे, फिर लोगों सुनो क्या है। कहने लगा देखो बताता तो नहीं है शेरवानी मेरी है, लेकिन मैंने इसको जो है आज भीख के तौर पर दे दिया है। इन्होंने मना भी किया और मैं मना भी करता हूँ, लेकिन लोगों ये जो शेरवानी है मेरी है। कमीनों से दोस्ती करोगे, ये एक दीवाना खिलाकर पहाड़ जैसा इंसान दिखाएंगे, जगलाएंगे। वकील से दोस्ती नहीं करना, जमीने से दोस्ती नहीं करना। वो कहते हैं कि पारसी का मकूला है कि जबल जल्दत जिबिल्लत का भी अंदर पहाड़ हट सकता है, इंसान की फितरत नहीं हट सकती। तो हजरत बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये कौवा होता है, कौवे को बड़ा हसद है हंस से, हंस एक परिंदा बड़ा खूबसूरत है, उससे बड़ा हसद होता है मेरे जैसा लेकिन बड़ा खूबसूरत। बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौवे को मोती भुलाकर, मोतिया बिना हीरे जवाहरात ये भुलाकर सुबह में नाश्ता दो, याकूत जबरदस्त का दोपहर का खाना दो, शाम के अंदर तुम जमीन आसमान के अजीमत की खजाने दो, कौवा कौवा ही रहेगा, हंस नहीं बनेगा। तुम शाम को दूध के अंदर भलाओ खिलाओ, और जब नशे का मौका आए वो जल कर ही रहेगा। और हंसला एक फल है, वो कड़वा बहुत होता है, बजाय आमान में बजाय अफराज में। हजरत सैयद अली मौलाना नकवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसका जिक्र फरमाया है, हंसला बहुत कड़वा फल। हजरत ने कहा उसे कितना चाप में डुबो, कितना हीरे के अंदर पकाओ, हंसला फल को चाहोगे कड़वा ही कड़वा रहेगा। तो ऐसे ही जो कमीने होते हैं, बदमाश होते हैं, ये समझ लेगा दावत और तमीज भी जरूरी है। गणेश जी पुजारी को, शिर करने वाले को, भूख खाने वाले को नमाज की तरफ दावत है, लेकिन जब ये आते हैं तो मस्जिदों को पलीत कर देते हैं, अल्लाह के घर को नामाफ कर देते, वो गंदगी को धोकर नहीं आते, वो शिर से तौबा कर कर नहीं आते। ये शायद मक्के को मैंने आपको बताया था, जमजम का पानी लेकर तीसरी मंजिल पर जाकर इस्तंजा करकर वो जमजम के पानी में धोते थे, सोकर हरम में ऐसे ही उठकर नमाज पढ़ लिया करते थे, काबे की तरफ पांव कर कर। अब देखो आदमी को ये कुछ मसले आप मुझे बताना पड़ेगा, बयान तो हम कर लेंगे, कुछ चीजें आप मुझे बताइए। दावत देना पर है, दावत दिया तो मक्के को खराब कर दिया, मस्जिद को खराब कर दिया, एक सलाम फिर दूसरा सलाम फिरने मोबे नाम कर देता हूँ, भीड़ भी दिखा दिया, सारे नमाजियों को खलल होता है। तब ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अखबार उठाकर सारी दुनिया को मोले साहब को पुलिस पकड़ ली, कोर्ट मोर्चा में को जाती इसकी अम्मा इसकी जोर, कोर्ट स्टेशन को जाता उन्हें जोर, अभी तस्वीर क्यों आई है, क्या लिखा हुआ है, मकसद क्या है, इंटरव्यू क्या है, अंग्रेजी जुबान ऐसी जबान को नहीं है जो आसमानी लाते हो, हजरत दाऊद अलैहि सलाम से जमाने की इंसलाम, रोड में जाने वाले चंपार को ये क्या खिलाओ, कोई पीढ़ी दे दो, सिगरेट दे दो, पीने के लिए बोल देता हमारे मोदी साहब बयान देकर ये बोल कर रहे हैं। अब क्या है आदमी जो सुपर मजलत का होता है, वो जो है बुलबुलाते कीड़े का पाना ना पाता है, जो आदमी नफीस होता है, दस्तरखान सजा हुआ है तो हम अगर वेजिटेरियन है तो हम सब्जी की तरफ हाथ करेंगे, और नॉन वेज है बिरयानी की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, और वेज और नॉन वेज छोड़कर सुपर के पैसाने के खाउनिक है तो ये भी काम करते रहेंगे। अल्लाह के बंदे सोचो कि अगर तस्वीरों में आना होगा एक साल में सैकड़ों जलसे होते हैं, हम जो है अपने किसी चमचे को हर फोन में मोबाइल में कैमरा दें, मोबाइल में फोटो पकड़ लेकर फिर उसके बाद उसका जो है वहां पर जाकर फोटो निकालने वाले से लेते हैं फोटो बिना पेट में या कलम निकला कर, हम अगर रिपोर्टर को बुला कर दें सैकड़ों फोटो आ सकते हैं। ये कुछ मजबूरी थी और ये कुछ उजूर थे जिसकी वजह से ये सब करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला आराम क्यों लाते हैं बताए। अगर
نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کو نہیں کر سکتے. ان کی ذات، ان کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے ظاہر اور ان کے باطن، ان کی نماز کا مقابلہ، ان کے جسم اثر سے نکلنے والے ایک پسینے کا قطرے کا مقابلہ قیامت تک کیا ہو گیا. لیکن اللہ کے مدینے میں ایک حالت ایسی لے آئی آپ پر، پورے مدینے میں چرچا ہو گیا. کیا؟ فیاض اللہ عمر اعظم اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بعد صفانی سے واصل صاحب سے ہو گئے. یہ کیوں لائے حالات؟ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے. دودھ پاکٹ میں جب ہوتا ہے پتا نہیں لگتا یہ دودھ پھٹنے والا ہے یا اس دودھ سے دہی بننے والا ہے یا چائے بننے والی ہے. دودھ میں جو نیمو کا خطرہ پڑتا ہے پتا لگتا ہے اس میں کتنا پانی ہے، کتنا اس میں دودھ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حالات لا کر پتا بتاتے ہیں کون دودھ کھانے والا ہے، کون مدنجن کھانے والا ہے، کون ویجیٹیرین ہے، کون نان ویجیٹیرین ہے، کون سوپر کا پاخانہ کھانے والا ہے، کون خبیز طریقہ ہے. منافع ہم آئندہ کا کچھ نہیں ہوا. کیا بگاڑا منافعوں نے؟ کیا بگاڑا؟ اللہ تعالیٰ ہے تعظیم کر کر آپ کی عزت کو بڑھا دیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. عزت کتنی دو بالا ہوئی، کتنی دو بالا ہوئی. کلام پاک ہم رمضان میں تراوی میں پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اس کو چھوڑ دیں، قرآن ہی مکمل نہیں ہوتا. جب تک اللہ تعالیٰ کی صداقت قرآن کا اعلان ہم قرآن پڑھ کر نہیں کرتے ہمارا قرآن برا نہیں ہوتا. کتنی سال پڑھائی، کیا کچھ بھی نہیں کرتا. تم علماء کی پکڑیاں نکال کر عزتوں سے کھیل کر بجلی سب کچھ نہیں بگاڑ ہوئے. آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نے اپنے دور سے دور کے دین بنا لیا ہے. یہ کام کرنا بس یقین ہے، نماز پڑھنا الٹی کی سیری کی اڑی رکعت کی تین رکعت کی ساڑھے پانچ رکعت ہم نے بنا لی. قرآن سے یہ اثر کرتا ہو نہ کرتا ہو، حدیث اسے قبول کرتی ہو نہ کرتی ہو، آج جائے ہم نے جسے دین سمجھا وہ دین ہے. اور جسے ہم نے دین سمجھا اس کے علاوہ اور لوگ ہیں. ہم جو منی مطلب فکر ہے، ہم تبلیغی مطلب فکر ہے، بہت گنا ہوا بھلے نہ بھلے یا کو گزارا کو کیا بھی بولے نہیں سمجھا، بہت گنا ہوا ہے تو منی کا کو کیا. یعنی آج ہماری رضا کیا ہے؟ دوسروں کو گالیاں دے کر، دوسروں کو ڈاؤن کر کر. میری نماز کٹی دن میں 24 مرتبہ آئینے کے سامنے میرا چہرہ، میری داڑھی بڑی کی نہیں بڑی، دنیا کے پہاڑ بڑھ جا رہے، دنیا ہاں سے کام کر نہیں کر رہی، ریگستان کے اندر سبزہ ہو رہا، لیکن میرے چہرے پر یہودی چہرے پر داڑھی کا بات کیوں؟ کس کی فکر نہیں ہمیں؟ کیا ان کو گالیاں دو؟ اگر فرض بولے تو پیٹ بھر جانا ہمارا. وہاں کے ہڈیاں بیچ کر کھانے والے، گنگنے بیچ کر کھانے والے، بس پیٹ بھولے نہیں سوالا بولے کا کھانا نہیں ہوگا. اور خود ہم یہ شرک کے اندر مبتلا، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر ایک شرک کے اندر خود پرستی کے اندر مبتلا ہے. اگر وہ لوگ پیرانی پیر کو نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، کوئی خواجہ پیر کو نفع نقصان. کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے چودھریوں کو، دنیا کے گنڈوں کو، دنیا کے کتوں کو، پولیس کے ایجنٹوں کو اپنا ادا سمجھتے ہیں؟ بنگلور کے اندر جلسہ ہونے والا تھا، جلسے کی اجازت پوری مل چکی تھی، لیکن نام یاد گنڈے بدی علماء کے دشمن دین کے دشمن وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کی تقریر نہیں ہوگی. ان کی پوجا کر کر ایک امت کا نقصان کروایا. یہ جلسے کے اندر 2500-3000 لوگ سنتے تھے. یہ کھڑی سن کر کوئی زندگی سدھر سکتی تھی؟ وہ رات جلسہ نہیں ہوا صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو گرو بیٹا ہوتے ان کو اٹھا دیے. نہیں، حضرت کا جلسہ ہوا پولیس پکڑ لے گئے. ہم جو ہے جلسہ بعد میں اجازت مل چکی تھی، راستے ہموار ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے جھوٹے خدا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. خواجہ عزیز کو مانے تو وہ مجرم، خواجہ جو ہے نظام الدین کو مانے وہ مجرم، وہ چادر چڑھائے تو مجرم. تم دنیا کے کھٹمت کتوں کو جو علماء کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، غریبوں کو زمین 10-10 مرتبہ بیچ کر پیسہ ہڑپتے ہیں، ان کی تم پوجا کرو تو تم مومن، تم جو ہے پکے دیندار. یہ سب نہیں چل رہا ہے دنیا میں، سب کچھ چل سکتا ہے. میں اس کے بعد جب فقط کی چادر اوڑو گے سب پتا لگے گا. ہم حق کرتے یا ہم باطل کرتے، ہم سچائی کرتے یا ہم جھوٹ کرتے. دیکھو صحیح زندگی پر گزارنا ہے، اپنے سب کو علماء کے حوالے کر دو. وہ جو کہیں یہ حق ہے، حق کر چلو. دعا کرو اللہ تعالی الحق حق اور سکنت سی بات، اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق دے. والن باطلا باطلا اور سکنت سی ناوا، اے اللہ جھوٹ کو جھوٹ دکھا، حق کو جھوٹ، باطل کو حق، حق کو باطل، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ. یا
ये दुनिया की अदालतों में चल सकता है, खुदा की अदालत में नहीं चल सकता, खुदा के थाने में नहीं चल सकता, मलकुल मौत को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मेरे भाई ये दुआ करो, हक को हक लिखा, हक पर जिंदगी दे, हक पर मौत दे, बातिल को बातिल लिखा, बातिल से बचा, बातिल से हटाकर मौत दे। ये झूठे खुदाओं की जो है देवी देवताओं की पूजा को छोड़ दो, अल्लाह को मानो। नवाज खान का मालिक जो है अल्लाह वाला है, जिसका व्यक्ति को सारी किसकी दौलत, किसका माल, किसकी प्रॉपर्टी, कैसे कैसे माल वाले आए, कैसे कैसी दौलत वाले आए, कैसे कैसे रुपये वाले आए, इस जमीन में क्या नहीं देखा होगा। मेरी जिंदगी 40 साल, आपकी जिंदगी 60 साल, उसकी जिंदगी 30 साल, मैं जमीन को देखा तो 40 साल में देखा होगा, आपने देखा होगा 70 साल में देखा होगा, कुछ 100 साल का होगा 100 साल। लेकिन ये धरती जिस वक्त अल्लाह ने बनाया उस वक्त ये जमीन गवाह है। ये जमीन को पूछो कैसे कैसे अंजार आ गए, कैसे कैसे मकदार आ गए, कैसे कैसे अंजार आ गए, कैसे कैसे बाग वाले आ गए, कैसे कैसी दौलत वाले आ गए, कैसे कैसे शहीशाह आ गए, कैसे कैसे बादशाह आ गए। मैंने आपको नहीं बताया था इस जमीन में जिसके साथ वफादारी थी, इस जो है जमाने में और जिंदगी ने किसका साथ दिया है। मैंने बताया कि कौम आज उसे गिरन आज भी करते हैं, पहाड़ के बड़े बड़े पंडों को उठा लिया करते थे, सैकड़ों साल इनकी उम्र हुआ करती थी। ये बड़े बड़े फल वाले, ये बड़ी बड़ी ताकत वाले, इतनी ताकत, इतनी उम्र के पहाड़ों को तराश कर हम जो है एक जो है लोट पत्थर ले जाकर अपनी इमारत को बनाते हैं, ये पहाड़ को खोद कर अपना किला बनाते थे, पहाड़ को खोद कर अपने नौबत का इलाज किया करते थे। तो चुनाव कौन आज के अंदर दो बादशाह थे, एक बादशाह का नाम था शरीफ और एक बादशाह का नाम था सत्तार। पहला जो बड़ा था वो शरीफ था, वो अपनी हुकूमत करके चला गया, तो सत्तार उसका जानशीन बना। तो जब जानशीन बना तो उस वक्त के उलमा ने, उस वक्त के बड़ों ने सत्तार को बताया कि क्या तुम माल के पीछे पड़ता है, ये क्या तुम दौलत के पीछे पड़ता है। मेरे भाई सत्तार, देख अल्लाह की जन्नत ऐसी है, अल्लाह की नेमतें ऐसी हैं, तो अब उसके पास माल था, अब उसके पास दौलत थी, अब उसके पास रुपया पैसा था। अच्छा, अल्लाह क्या जन्नत देगा? अब देखो दुनिया के अंदर जन्नत बनाते हैं, ताकतवर कौन थी, पहाड़ों को तराशने वाली थी, जमीन में ठंडा करने वाली थी। उस जमाने के 500 गज की एक बाउंड्री उसने बनाई, जमीन को इतना खोदा कि जमीन के तह का पानी निकलना शुरू हो गया, तो जमीन के खड्डे बन गए, तो फाउंडेशन के अंदर याकूत जबरदस्त हीरे जवाहरात को डालकर उसने बजाय इंच तारे के इस्तेमाल के उसने जो है उसको काटा, और काटने के बाद एक इंच सोने की, एक इंच चांदी की, पूरे पुल के अंदर अपने वक्त का बार जाता। वो उसने हुक्म दे रखा था किसी घर में कोई चांदी का एक ग्राम हो, अगर किसी जमीन से 50 ग्राम सोना निकलता हो, वो सत्तार के दरबार में पहुंचा दिया जाए, तो सत्तार इन सारे सोने को गलाकर, चांदी को गलाकर, एक इंच चांदी की और एक इंच सोने की और बीच के अंदर याकूत जबरदस्त का वपारा बनाकर उससे जो है बाउंड्री बनाई। सुबह से 7 बजे 6:30 बजे जब सूरज निकलता, आदमी उस दीवार को देख नहीं पाता था, वो चकाचूंध करने वाली रोशनी। और फिर उसके बाद उसने अंदर नहरें बनाई, एक नहर सूरज मोहम्मद के दूसरे रूपों में। अल्लाह ने इशारा फरमाया, फिहाल हर उम्मीद है आदि वन हर उम्मीद लगा वन हर उम्मीद जाएगी। तो उसने कहा ये नहर हम भी बना सकते हैं, एक दूध की नहर बनाई, एक शहद की नहर बनाई, एक मीठे पानी की नहर बनाई, एक शराब की नहर बनाई। कहा के देखो तुम्हारा खुदा जन्नत में क्या देगा, और बाग लगाए, उन बाग के अंदर मजबूरी दरख्त लगाए, उन दरख्तों के अंदर सोने के जबरदस्त के याकूत के फल के अंदर उसने टंगवा दिए, और फिर उसने महलात बनाए, 1000 महल उस बौखरी के अंदर बनाए, वहाँ पर नहरें जारी, यहाँ पर बाग जारी। और सरकार ने पूरे मुल्क के अंदर आर्डर दे रखा था, कोई दोषीदा यानी शादी शुदा हसीन लड़की उसे सिलेक्शन की कमेटी थी, वो कमेटी उस लड़की को सेलेक्ट कर दी और उसे हूर बनाकर उसने उसके अंदर छोड़ दिया। रंग बरंग के कपड़े दे दिए, सिंधियों की तरह फल दे दिए, कहा कि तुम घूमते रहो फिरते रहो। और 12-13 साल के जो खलीफुल मुलूक लड़के थे जिनकी दाढ़ी अभी नहीं निकली थी, ऐसे गोरे गोरे लड़कों को उसने खूबसूरत गोरे छोरों को अंदर गुलाम बनाकर भेज दिया, और उसके बाद उसने एक मजेदार जन्नत बनाई। 500
ये लिबास, ये व्यक्ति में है और ये सब कुछ जो है आखिर की तरफ पूरी तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जब पूरी तरह जन्नत तैयार हो गई और उसका उद्घाटन हो रहा था और उसका इस्तेमाल हो रहा था, उसने कहा लोगों ये जन्नत मैंने अकेली तैयार नहीं की, तुम्हारी सब कुर्बानी है और तुम्हारी सब मेहनत है। आओ आज हम इस जन्नत का उद्घाटन करेंगे, इस जन्नत की सैर करेंगे, इस जन्नत का इस्तेमाल करेंगे। ये कहकर उसने सारे लोगों को बुलाया और वो उलमा की जमात जो इनको जन्नत की तकलीफ खिला करते थे उससे कहा कि आओ तुम भी खड़े होकर देखना, खबरदार हमारी जन्नत में तुम दाखिल ना होना। अब जाते कितने करते आया बड़ा नबी जन्नत का दावा करने वाला, बेटी लहरों का दावा करने वाला, पूर्व ईमान का दावा करने वाला। आप इस जन्नत में देखो एक से एक परी है, एक से एक भूल है, एक से एक गुलाम है। ये कहकर उनको ताने मारता, रोने पर मजबूर करता, वो जो है सबर करने आप गुजरे जाते। मलकुल मौत से पूछा गया, मलकुल मौत तुमने किसी की रूह कब्ज करते हुए कभी तुमने खाया दर्द खाया? मलकुल मौत ने कहा कि दो मौके थे, एक मौका तो वो था कि जब खबर आ गया था कश्ती डावाडोल होने लगी थी, एक माँ बच्चे को जन्म दे चुकी थी और आपने उस तपे को किनारा बताया था, वहाँ जंगली तरीके थे। ऐसा आपने कहा था कि माँ की रूह को कब्ज कर लेना। मेरा दिल बड़ा तड़पा था, जिंदा था कि अल्लाह भी कैसा रहम करने वाला नहीं है, बच्चे को जंगल के दरिंदों के हवाले करकर ये जो है माँ की रूह कब्ज करने के लिए कह रहा है। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जीने का दूध पिलाया, अल्लाह ने उस बच्चे को जंगल के माहौल में रखा, अल्लाह ने उसे कोई बीमारी नहीं दी, अल्लाह ने उसे सरकार पेट का दर्द नहीं दिया, अल्लाह ने उसे सेहत और सलामत नहीं दी, अल्लाह ने उसे पुल का बाजा बनाया। और जब बना तो यही बच्चा आगे बच्चन का चंदा बना और चंदा बना, जन्नत तैयार हो गई। जन्नत में एक कदम चंदा का पढ़ने वाला था, बाजू बाट पीते थे और कबीले के लोग पीते थे। अल्लाह ने आसमान के अंदर एक बादल को कट कराया, पूछा लोगों ने जहाँ बना ये बादल फैलता है और ये जो है चमक और ये कड़क रहती है, तो उसने कहा अगर ये है कि हमारी जन्नत के लिए चमकने के लिए आसमान के अंदर भी हमने इंतजाम कर रखा है। चुनाव बिजली कड़ी और वो बिजली आकर वो पड़ी, एक कदम चंदा का जन्नत में कदम बाहर में और सारी वो कहीं की कहीं देर हो गई और जिन लोगों को देखकर ये चिढ़ाता था अल्लाह हमारे तारा ने उसको बचा लिया। फिर उसके बाद वो चंदा की जन्नत बनने से पहले भी बच गई, आवाज होने से पहले अल्लाह हमारे तारा ने उस जन्नत के वजूद को खत्म कर दिया। किसका बात, किसकी नौबत, किसकी बात, किसका अपार्टमेंट, किसकी तजारत, किसका कारोबार, शद्दाद की इतनी हसीन जन्नत शायद दुनिया में कोई ऐसा कीमती महल नहीं बनाया। अल्लाह ने उसे नहीं छोड़ा, अल्लाह ने कहा छोड़ेगा। हमारे से अपार्टमेंट में ऐसा है, ऊपर किसी और का मकान है, नीचे किसी और का मकान है, नीचे फेंक मारो नीचे वाले कहते हैं ये जमीन हमारी जो है सब हमारी है, ऊपर फेंक मारो वो कहते हैं ये जमीन हमारी है। हम जो अटके रहते हैं किसी की जमीन पर किसी के आसमान पर अटक कर इतना गुरूर और इतना तकब्बुर जिसने अपनी जन्नत बनाई वो जन्नत उसे साफ ना दे सकी। ये मान, ये दौलत, ये गैरों की पूजा, ये गैरों का सवाब करना, ये गैरों को जासूस करना अल्लाह की कसम से भाई कुछ नहीं आता। अल्लाह के लिए हो जाओ, मैंने ये सारी जो तबीयत मांगी हमारी परेशानियाँ हम परेशानियाँ ही गिनाते रह गए। आखिर इस परेशानी का हल क्या है? आखिर दवाई खाते हैं, दारू पीते हैं, हफड़े की चक्कर लगाते हैं, थारों के चक्कर लगाते हैं, जाके हफ्ता का अंजाम हुआ ना मंदिर का अंजाम हुआ, आखिर इलाज क्या है? इंशाल्लाह ये इलाज जो अगली जुमा बताएंगे। हजरत नूर मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मायूस होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हर चीज के अंदर असल किला पैदा करते हैं, अल्लाह हमारा ताला तारीखी के अंदर रोशनी की किरण को पैदा करते हैं। मायूसी कुफ्र है इस्लाम के अंदर। लुदुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक बार दवाई कली के किनारे जा रहे थे, वहां पर देखा एक बिच्छू बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। ऐसे मालूम होता है कि वो कोई ड्यूटी करने जा रहा है, फैक्ट्री का टाइम हो रहा है। वो जैसे ही गया तालाब के किनारे तो एक सांपेल जो है वो आया तालाब के किनारे, नदी के किनारे। मालूम होता था कि जहां बना हुआ इस्तकबाल करने के लिए वो सांपेल आया हुआ है। जैसे ही सांपेल आया पटपट पटपट बिच्छू चढ़कर उसकी जो है पूंछ पर सवार हो गया। हजरत सुनो मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह बड़ा अजीब वाकिया है कि मालूम होता है कि कोई पैगाम मिला है, कोई मैसेज मिला है। अचानक अपने दिल से निकला, बड़ी तेजी के साथ गया और जैसे ही गया उसने उसको इल्हाम किया हुआ था कि वो सामने लाकर यहाँ पर रुके और रुका तो ये उस
अल्लाह ने तांबे की सवारी बना दी है, तो कहते हैं कि तांबे आगे आगे जा रहा था और बड़े लेकर देख रहा था कि वे तांबे शिशु को बहुत से किले में पहुँचाता है, बहुत सी मंदिर में पहुँचाता है। आखिर उसकी ड्यूटी का इलाम